तो गाइस ये गाड़ी XUV500 महिंद्रा की W8 मॉडल है, तो कि 2000 कुछ में लॉन्च हुई थी। तो इसमें हिल और हिल डिफेंस चेक इंजन की लाइट आ रही है, जो कि बहुत मनुष्यत वाली लाइट माना जाता है। मैं तो कहता हूँ ये गाड़ी में लाइट आनी ही चाहिए, तो गाड़ी बिल्कुल मस्त एकदम बढ़िया है। तो इस जो ये मनुष्यत वाली जो लाइट है, मतलब हिल और हिल डिफेंस चेक इंजन लाइट, इन तीनों लाइटों को कैसे हटाएं, इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर, मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। तो भाई लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसका पहले हम बोनट खोलेंगे। तो बोनट खोलने में कुछ हमें इस तरह का व्यू दिखेगा। जो ये लाल स्क्वायर बॉक्स बना है ना, वहाँ ECM होते हैं। कुछ ECM को हम पहले इससे अलग कर लेंगे कार में से, और पहले बैटरी की जो हमने प्लस माइनस की फ्यूज होते हैं पहले वो निकाल लेंगे, फिर ECM को तो अलग से निकाल लेंगे, फिर उस ECM को जाके बिना छिड़े हम कुछ भी करें उसको जाके हम रिपेयर कराएंगे। क्योंकि उस ECM में ना आप ऊपर को देखेंगे प्लग जैसा होता है, उसमें तारें लगी होती हैं सीधी। अगर वो हल्की सी भी हिल गई तो आपका ECM पूरा बेकार हो जाता है, आपको नया खरीदना पड़ेगा, और नया काफ़ी महंगा आता है। पता नहीं मुझे कितने का आता है, लेकिन काफ़ी महंगा आता है। तो उस ECM को जाकर रिपेयर करने के बाद शायद आपकी लाइट हट जाए, हिल और हिल डिफेंस और चेक इंजन लाइट की। और अगर चेक इंजन लाइट, हिल और हिल डिफेंस ये सब नहीं हटती है, तो इसके बाद आप अपना जो OBD नामक का गैजेट है, इस गैजेट को आप इस जगह पर लगाएं। तो इस जगह पर लगाने के बाद आपने एक एप्लीकेशन बताऊँगा जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन। तो ये जो एप्लीकेशन का नाम है टॉर्क्यो लाइट, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको जो अपना OBD है, इस पर जो ये नाम लिखा है ना ELM करके कुछ, तो ये आपके इसमें ब्लूटूथ में सो रहा होगा, कनेक्टेड होगा। फिर कनेक्ट करने के बाद है ना, आपको कुछ इस तरीके का शो होगा कि आपकी जो गाड़ी में ये सब फॉल्ट है। फिलहाल तो ये एग्जांपल बताया, ये सब लिखा जाएगा ऐसा फॉल्ट है, तो फिर शायद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो गाइस सभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, हम आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक करके ही भेजेंगे। तो XUV500 में अभी सब चीज़ तो ठीक हमने करा ली थी, ECM भी रिपेयर करा था, सब लाइट चली गई थी, लेकिन फिर ये अभी थोड़ी देर पहले चेक इंजन की लाइट आई है। तो इसको हटाने का भी एक सॉल्यूशन है, जो कि हमारा ये OBD2 तो जो कि लगा के इसको मैंने स्कैन करके स्कैन वो मैंने हटाए, तो हट तो गए, सब हट गए, चेक इंजन में आ गई थी थोड़ी देर पहले आई है ये। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा एक्सीलेटर का इलाज है कि थोड़ी एक्सीलेटर दे, थोड़ा एक्सीलेटर करके चाबी बंद करेंगे, फिर ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं चेक इंजन लाइट बिल्कुल हमारी हट चली है। तो बल्ले बल्ले चेक इंजन की चली गई। आपको अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो यही प्रॉब्लम का सलूशन था जो